गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके सामने में बीए फाइनल की जो हमारे क्लासें कई दिन दो तीन दिन से नहीं चल रही थी, आज पुनः मैं एक बार आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो बीए पार्ट फाइनल की जो क्लासें हमारी रेगुलर चल रही है पेपर वन के लिए, जो हमारा जेएनयू के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी की हमारी फोर्थ चैप्टर को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बीए फाइनल का सिलेबस है ये। ठीक है, और चैप्टर नंबर कौन सा है? फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो एक नई पोयम है आपके सामने, नाम क्या है? किस्टाबेल। एक बहुत ही शानदार एक लड़की की कहानी है, पार्ट वन है, क्योंकि किस्टाबेल वैसे तो क्या है, बहुत बड़ी पोयम है, लेकिन हम इसका सिर्फ क्या करेंगे, पार्ट वन को पढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महानतम लेखक एस टी कॉलरिज के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन करना है पोइट का, इंट्रोडक्शन करना है पोयम का, आउटलाइन पढ़नी है पोयम की, और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है। तो इसी रूप में हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हुए हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट जो एस टी कॉलरिज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे एस टी कॉलरिज हैं उनका पूरा नाम क्या है। सैमुअल टेलर कॉलरिज। जन्म कब होता है? 21 अक्टूबर 1772 को उनका बर्थ होता है। 25 जुलाई 1834 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। वॉज एन इंग्लिश पोइट, ये एक अंग्रेजी क्या थे? कवि थे। लिटरेरी क्रिटिक थे, ये एक साहित्य के बड़ी क्या थे, वो कहते हैं ना क्रिटिक, मतलब व्यंग करने वाले व्यक्ति थे। फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, एंड थियोलॉजियन हु विथ हिज फ्रेंड विलियम्स वर्ड्सवर्थ। और वो अपने जो मित्र थे विलियम्स वर्ड्सवर्थ, हमने हमारी जो पहले की जो तीन पोएम है उसमें जरूर देखा या पढ़ा कि जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे उनकी बहन उनको सॉमरसेट लेके जाती है, जहाँ पे जो हमारे एस टी कॉलरिज थे वह इनके पड़ोसी होते हैं और उन्हीं के संपर्क में आते हैं। जो हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ हमारे सामने आते हैं। तो ये इनके अच्छे एक मित्र थे, इनको हम कहते हैं कि इनके जो तीन जनों का जो ग्रुप था उसे हम लेक पोइट्स भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वॉज ए फाउंडर ऑफ ए रोमांटिक मूवमेंट। और उस समय जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिक जो मूवमेंट है उसके फाउंडर भी हम किसे कहते हैं? वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज को मानते हैं। फिर देखते हैं कि इंग्लैंड में ए मेंबर ऑफ ए लेक पोइट, ये क्या थे? एक मेंबर थे हमारे लेक पोइट के इंग्लैंड के अंदर, जो लेक पोइट थे वर्ड्सवर्थ एस टी कॉलरिज, इनके जो तीन जनों के लेक पोइट जिनको नाम से जाना जाता था उन्हीं के एक मेंबर थे। ही ऑल्सो शेयर ए वॉल्यूम ऑफ ए कोलैबोरेटेड विद चार्ल्स लैम्ब। इन्होंने अपनी जो वॉल्यूम थी अपने काम को दूसरे जो लेखक थे उनके साथ भी इन्होंने किया। क्या क्या नाम था? चार्ल्स लैम था, रॉबर्ट साउथी थे और चार्ल्स ल्योर, ये तीन व्यक्ति थे जिनके साथ भी इन्होंने मिलके अपने पूरे करियर के अंदर काम किया। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि आफ्टर हिज स्कूल डे, जब ये स्कूलिंग करते थे, स्कूल डे में थे, एट क्रिस्ट हॉस्पिटल इंग्लैंड के अंदर एक स्कूल है, ही वेंट टू जीसस कॉलेज। और उसके बाद जब स्कूलिंग पूरी हुई तो ये कहाँ जाते हैं? जीसस कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि जब ये आठ साल के थे तब ये सैमुअल वॉज सेंट टू क्रिस्ट हॉस्पिटल। जब ये 8 साल के थे तो इनकी जैसे ही प्राइमरी एजुकेशन पूरी होती है तो अपर प्राइमरी के लिए इनके माता पिता या बहन इनको कहाँ भेज देती है? क्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज देती है। शहर के अंदर ये स्कूल थी जहाँ पे ये क्या करते हैं, अपनी 12 तक की जो स्कूलिंग होती है वो करते हैं और उसके बाद जीसस कॉलेज में ये क्या करते हैं, अपने आगे की पढ़ाई जैसे ग्रेजुएशन है उसके लिए यहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ही रोड पोएम्स, इन्होंने अपने करियर के अंदर कुछ पोएम लिखी, उनका नाम क्या था? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड कुबला खान एज वेल एज द मेजर प्रोज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसके अंदर कहते हैं कि जो ये द राइम ऑफ ए एंशिएंट मैरिनर है ये जो बुक थी, और कुबला खान जो कि अब हम इसके आगे वाली जो पोएम पढ़ेंगे कुबला खान नाम से,
ये दो पोएम ऐसा काम था, ऐसा इम्पोर्टेंट इनका काम था, मेजर वर्क था, जो कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जिसको मानते हैं कि ये इनकी क्या है, एक बायोग्राफी है, उसके अंदर भी इन दोनों बुक का क्या किया है, वर्णन किया गया है। इन्हीं बुक की वजह से एस टी कॉलरिज बने थे। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर जॉन कॉलरिज डाइड इन 1781 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, या ये जो जॉन कॉलरिज थे ये इनके पिताजी थे, ठीक है, जिनका क्या हो जाता है 1781 में निधन हो जाता है, और इनका निधन कब होता है 1834 के अंदर। ठीक है, तो जब ये इनके पिताजी की डेथ हुई तो इनके अंदर एक क्या होता है, चेंज आता है कि इनको ऐसा, ये कहते हैं ना कि उससे पहले ये एक प्रकार से कहते हैं कि बहुत ही अवेयर नहीं थे, इनकी बहन इनको बार बार टोकती थी एस टी कॉलरिज को, ठीक है, और कहती थी कि भाई आपको क्या करना है कि एक बड़ा लेखक बनना है। और धीरे धीरे जब ये साउथी के वर्ड्सवर्थ हैं, जो साउथी हैं, बड़े बड़े लेखकों के संपर्क में आते हैं, फिर धीरे धीरे ये क्या होते हैं, एक कहते हैं ना कि एक अच्छे महानतम लेखक की ओर इनका जो पथ था, जो रास्ता था, वो अग्रसर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पोइट का एस टी कॉलरिज का। और वर्ड्सवर्थ और इनकी जो जोड़ी थी ये हमारे साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में सबसे महानतम जोड़ी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, और जो ये बायोग्राफी लिटरेरिया था ये इनका एक क्या है, बायोग्राफी है। इसके अंदर एस टी कॉलरिज की एक एक बुक्स, एक एक इनके भविष्य या एक एक इनकी जो लाइफ है उसकी सारे मोमेंट की बात एस टी ये बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिखी हुई हमें मिलती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, इस पोएम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस बात को पढ़ेंगे, कहाँ से ली गई है, कैसे लिखी है एस टी कॉलरिज ने, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। देखते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टाबेल वॉज रिटन इन 1797 में ये जो क्रिस्टाबेल नाम की जो पोएम है, इसका जो पहला पार्ट है जो हम पोएम के अंदर पढ़ेंगे, वो लिखा गया एट नेदर स्टोवे इन सॉमरसेट। नेदर स्टोवे एक वहाँ का पैलेस है, वो कहाँ पे है, सॉमरसेट के अंदर। एंड द सेकेंड पार्ट एट क्विक कम्बरलैंड जो प्लेस है वहाँ पे लिखा गया सेकेंड पार्ट इन 1800। ये जो पहला पार्ट लिखा गया 1797 में, सेकेंड पार्ट कहाँ लिखा, 1800 के अंदर कम्बरलैंड के अंदर लिखा गया। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर कॉलरिज रिटर्न टू फ्रॉम जर्मनी, और जब कॉलरिज जर्मनी से लौटा तब इन्होंने क्या किया, सेकेंड पार्ट को लिखा। पहला पार्ट कहाँ लिखा था, सॉमरसेट जहाँ पे इनका पैतृक घर था वहाँ पे लिखा था, और सेकेंड पार्ट जब ये जर्मनी से वापस आए 1800 में तब इन्होंने क्या लिखा, इस क्रिस्टाबेल नाम की जो पोएम थी या जो वर्क था इसका सेकेंड पार्ट लिखा। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टाबेल इज ए नेरेटिव पोएम, ये जो एक पोएम है ये एक नेरेटिव पोएम है क्रिस्टाबेल, टेलिंग द स्टोरी ऑफ इनोसेंट गर्ल। यहाँ पे एक नेरेटिव है, एक बातचीत, आम बात तौर पे एक बातचीत की तरह ये पूरी पोएम चलेगी। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये पोएम है या एक नॉर्मल सी, एक कहते हैं ना कि एक नॉवल की तरह काम करेगी यहाँ पे, या ड्रामा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है किसकी, इनोसेंट गर्ल की, एक सीधी साधी भोली भाली जो लड़की है उसकी स्टोरी है। विजिटेड बाय ए डेमोन इन ए शेप ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी, जो कि ये क्या करती है कि यहाँ पे इसको एक ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत लड़की के तौर पर इसे इस पोएम के अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इट्स क्रिएट्स ए सीन ऑफ ए मैजिस्ट्री, यहाँ पे एक जादू सीन भी होगा, एंड क्रीपिंग हॉरर बाय द मोस्ट नेचुरल मींस, और यहाँ पे कुछ डरावनी बातें भी होगी जो कि क्या है, एक नेचुरल है, एक प्राकृतिक तौर पर किस तरह से एक डरावनापन होता है वो भी हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगा। द चीफ मेरिट ऑफ द पोएम लाइज इन द पावर ऑफ ए सजेसिवनेस, यहाँ पे जो चीफ थिंग है, जो मेन मुख्य बात है वो क्या है, एक शक्ति की बात होगी, एक ताकत की बात होगी, थ्रेटिंग सम अननोन एंड ओमिनियस डेंजर, कि यहाँ पे जो एक आत्मा है किस तरह से वो क्या करती है, हमारी क्रिस्टाबेल के सपने में आएगी, उस खूबसूरत लड़की के सपने में आएगी, और वो उसे क्या करेगी, सजेशन देगी, एक क्या करेगी, एक सजेशन के रूप में देगी, और इस तरह से एक डेंजरियस, एक अननोन थिंग, एक डेंजरियस किस तरह से एक कहते हैं ना कि एक काल्पनिक वस्तु किस तरह से उस लड़की के लिए एक डेंजरियस चीज़ बन जाती है, वो इस पोएम के अंदर हम देखेंगे।
तो ये था हमारा एक पोएम का इंट्रोडक्शन है। अब चलते हम हमारी आउटलाइन की तरह, जो मुख्य बातें हमारी पोएम के अंदर है, जो क्रिस्टाबेल पार्ट नंबर 1 के अंदर है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द पोएट एंटाइटल क्रिस्टाबेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी जो पोएम है क्रिस्टाबेल, उसके दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 1797 में सोमरसेट में लिखा था। पार्ट नंबर 2 जब एसटी कॉलेज जर्मनी से वापस आते हैं तो 1800 के अंदर पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट नंबर 1 होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम कंपोज्ड इन 1797 एंड इट्स मेड अप ऑफ 337 लाइंस। 337 लाइन की जो पोएम बनेगी हमारी। उसके बाद देखते हैं कि द पोएम टू बी पब्लिश अकॉर्डिंग टू द पोइट इंटेंशन। और ये जो पोएम है ये हमारे पोइट के इंटेंशन के द्वारा पब्लिश होगी कि इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बिलेट्स इन 1800 की जो लिरिकल बिलेट्स करके जो काम आया था अपने वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज का जो इकट्ठा काम था उसी के अंदर ये क्या की थी, पब्लिश की थी, जिसकी जो सेकेंड एडिशन था लिरिकल बिलेट्स का उसी के अंदर हमारा पार्ट नंबर 1 पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1800 में। फर्दर इट वॉज बी लॉन्ग वन डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। और उसके बाद इसको क्या किया था, 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया था। बट आफ्टर 1799 द पोइट सफर फ्रॉम ए ग्रेट बैडनेस विद द रिगार्ड टू द पोइटिक कंपोजिशन। यहाँ पे कहते हैं कि जो पोइट है वो 1799 के बाद बड़ा ग्रेट उसके जीवन के अंदर एकदम बैरीनेस आ गया, एक बड़ा ठहराव आ गया, जिससे इसने क्या जो अपना पोइटिक कंपोजिशन था, लिखना था, वो सब कुछ बंद हो गया। द रिजल्ट वॉज दैट द पोएम अज अपॉन इट अज एन अनफिनिश्ड पोएम। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा एक दौर आया कि जो हमारा क्रिस्टाबेल नाम का जो पार्ट 1 था वो एक अधूरी पोएम के रूप में जाना गया, कि ये जो पोएम है, ये जो पूरी पोएम है क्रिस्टाबेल, इसका जो सेकंड पार्ट है ये नहीं लिखा गया तो ये पोएम कैसी मानी जाएगी, एक अनफिनिश्ड पोएम मानी जाएगी। फिर देखते हैं कि एंड सो डिड हिज पब्लिशर्स। और इसके जो पब्लिशर्स थे वो भी जानना चाहते थे कि इसका जो क्लाइमैक्स है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, वो भी उतावलेपन थे, क्योंकि ये पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम है क्रिस्टाबेल, ठीक है। फिर देखते हैं कि इट वॉज लेटर पब्लिश, लेकिन आखिर में ये पब्लिश होती है टू गैदर विथ कुबला खान। एक कुबला खान नाम की एक पोएम और है, उसके साथ ये पोएम पब्लिश होती है बाय मूरी इन 1816 में इसका फाइनल पार्ट भी क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉर्ज जॉर्डन बायरन, और जो जॉर्डन बायरन है उनके आग्रह के ऊपर ये क्या है, जो हमारे पार्ट नंबर 2 है ये पब्लिश होता है। एंड द पोइट अकॉर्डिंग टू द पॉल हार्वे इट फर्स्ट पार्ट वॉज कम्पोज एट सोमरसेट। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो पहला पार्ट था क्रिस्टाबेल का वो कहाँ पे कंपोज हुआ था, सोमरसेट, जो इनका पैतृक निवास स्थान है, इन 1797 के अंदर। और इनका जो सेकेंड पार्ट है वो क्विक में कम्बरलैंड में 1800 में ही क्या हो गया था, लिखा गया था, लेकिन पब्लिश कब होता है, 1816 में पब्लिश होता है, ठीक है। आफ्टर द कॉलेज रिटर्न फ्रॉम द जर्मनी, जब जर्मनी से वापस आ जाते हैं तभी ये लिख डालते हैं, लेकिन इसको पब्लिश कब करवाते हैं, 16 साल के बाद करवाते हैं। फिर कहते हैं कि द पोएम बिगिनिंग विथ क्रिस्टाबेल, ये पोएम शुरू होती है क्रिस्टाबेल नाम की लड़की से। गोइंग इन टू वुड्स एट नाइट एलोन, एक रात की बात है जब ये लड़की क्या होती है, एक जंगल में जाती है अकेली। ये क्या कहाँ पे जाती है, जंगल में जाती है। सी हैज़ लेफ्ट द हाउस ऑफ हर फादर, और ये इसके पिताजी बड़े जो किंग थे वहाँ के राजा थे, और उनके पास एक कुत्ता था जो कि उन्हें बहुत प्यारा था। तो कुछ बातें कहने पे ये जो बेटी है इनकी, जो क्रिस्टाबेल नाम की जो लड़की है, सुंदर लड़की है, ये घर छोड़ के कहाँ चली जाती है, पास ही में उनके महल के पास में एक जंगल है वहाँ पे चली जाती है। और इनके फादर हैं, उनका क्या नाम है, सर लियोनी नाम के व्यक्ति है, जो कि कौन है, क्रिस्टाबेल के पिताजी है। हु इज ए बैरन, वो एक क्या है, बैरन है, ठीक है, एक शासक है। इट इज ए फुल मून इन अप्रैल, अब वहाँ जब वो जंगल में जाती है तो उस समय जो रात्रि का समय, फुल मून का समय, पूर्णिमा की रात्रि है, ठीक है। फिर कहते हैं कि देखो
एंड ए चिली नाइट, और एक सुनसान सी रात है, पूरी एकदम साइलेंट है, महल में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सब लोग सो गए हैं। उसी रात को ये क्या करती है, घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है पास ही के जंगल में। सी हैड ड्रीम्स ऑफ ए नाइट, सी इज ए बेथ्रोड टू मैरी एंड सी आउट इन द वुड टू प्रे फॉर हर फियंसी वेल बिगनिंग अस ही अस फार अवे। और ये क्या करती है, नींद में या ये ड्रीम देख रही है, उसमें ये कहती है कि नाइट में जो इनका जो इसका प्रेमी है, किसका, क्रिस्टाबेल का, और ये क्या करती है, प्रार्थना करती है। वहाँ पे क्या था, एक वुड था, एक कहते हैं कि एक ऐसा पेड़ था जिसको कहते हैं ना कि इच्छाधारी पेड़ था, किसी ने इसको कह रखा था कि पूर्णिमा की रात्रि को अगर आप वहाँ पे जाओगे, जाके अगर प्रार्थना करते हो तो आपकी क्या होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसी तरह से ये क्या है, जंगल में जाती है, जब इसके पिताजी ने इसको कुछ कह दिया होता है तो ये घर छोड़ के वहाँ पे जंगल में चली जाती है, और वहाँ पे ये क्या करती है, नाइट के समय में अपनी शादी के लिए, अपने प्रेमी के साथ शादी के लिए ये क्या करती है, वहाँ पे प्रे करती है, और उसकी कहते हैं ना कि उसकी खुशामंदी के लिए भी ये प्रार्थना वहाँ पे करती है। फिर देखते हैं कि वाइल नीलिंग बीनीथ एन ओक ट्री, एक वो जो पेड़ है उसका नाम क्या है, ओक ट्री, ओक ट्री नाम का एक पेड़ है। सी हियर्स ए मून एंड इन्वेस्टिगेट्स, वहाँ पे क्या होता है, जब वो खड़ी होती है प्रार्थना कर रही होती है तो उसे एक दबी दबी सी एक आवाज़ में उसे वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है, एक महिला की एक आवाज़ सुनाई देती है। सी सीज ए लेडी, वहाँ पे वो देखती है, एक लेडी को देखती है, हु अपीयर्स ब्राइट एंड रेडियंट ड्रेस, जो कि एक बड़े चकाचौंध एकदम साफ सफ़ेद कपड़े पहन के वहाँ पे खड़ी है, ड्रेस इन ए वाइट, पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े में खड़ी है। सिल्क रोब, क्रिस्टाबेल हैड फाउंड ए ब्यूटीफुल वुमन विद द बेयर फिट, और वो उसके सामने खड़ी है क्रिस्टाबेल के, और उसे वो महिला दिखती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि बेयर्स आर्म जेम्स इन हर हेयर, उसके जो बाल थे उसके अंदर हीरे मोती लगे हुए थे। एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्री, इस एक साइड में क्रिस्टाबेल खड़ी थी जो प्रार्थना कर रही थी अपने प्रेमी के लिए, दूसरी साइड में वो महिला खड़ी थी। द वुमन एक्सप्लेन्स दैट हर नेम वॉज ए जेरेलैंड, उसका जो नाम था वो क्या था, जेरेलैंड था, किसका नाम, जो महिला उसको वहाँ पे मिलती है। एंड दैट सी हैज़ बीन किडनैप बाय 5 वॉरियर्स, और वो कहती है कि मुझे 5 लोगों ने किडनैप कर दिया था और मुझे यहाँ पे जंगल में छोड़ दिया गया है, प्लीज़ आप मेरी क्या करो, मदद करो। वो मदद मांगती है किसके साथ, क्रिस्टाबेल से। फिर क्या होता है, क्रिस्टाबेल नॉट ओनली ऑफर हर हेल्प, क्रिस्टाबेल उसकी मदद करती है, उसको सिर्फ मदद ही नहीं करती, बट सी ऑल्सो ऑफर टू हेल्प हर फादर सर लियोनी, और ये कहती है कि मेरे पिताजी इस यहाँ के जो एरिया के क्या हैं, बहुत बड़े शासक हैं, आप मेरे पिताजी भी आपकी क्या कर देंगे, मदद कर देंगे, आप मेरे साथ कहाँ चलो, महल चलो। हु विल एंश्योर जेरेलाइन सेफ रिटर्न टू हर नोबल फादर्स हॉल, और ये पूरी तरह से उसको विश्वास दिलाती है कि कल सुबह उठते ही मेरे पिताजी तुम्हारी मदद कर देंगे और तुम्हें सकुशल अपने फादर के पास क्या कर देंगे, वापस पहुंचा देंगे। ये बात कौन कहता है, क्रिस्टाबेल कहती है, किसे कहती है, जेरेलाइन को कहती है। फिर कहते हैं जो द सेकेंड पार्ट है हमारे इस पोएम का, उसके अंदर हमें पता चलता है कि जो जेरेलाइन है वो महल में आ जाती है किसके साथ, अपने क्रिस्टाबेल के साथ। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम बिगनिंग विद द एक्नॉलेजमेंट दैट द सियोलर सर लियोनिन इज स्टिल मॉर्निंग हिज डिसीज्ड वाइफ, अब यहाँ पे कहते हैं कि जब वो महल में आती है, दोनों जब जंगल से वापस महल में रात्रि के समय आती है तो महल पूरी तरह से सुनसान था, और जैसे ही कहते हैं कि उस महल की जो दरवाज़ा था उसके आगे जब खड़ी रहती है तो वो जो जेरेलाइन है वो वहाँ पे गिर जाती है, क्योंकि उससे क्या थी, कमजोरी थी। वापस वो उसे उठाती है, क्रिस्टाबेल उठाती है और धीरे धीरे से क्या करती है, अपनी महल की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे उसका कमरा है वहाँ पे लेके जाती है। तो अब वहाँ पे क्या है कि जब महल से जा रही होती है तो जो मसाले लगी है, जो रोशनी के लिए जो आग लगी हुई है उसमें, वो भी ज़ोर ज़ोर से क्या है, भभकने लगती है, क्योंकि जो जेरेलाइन थी वो एक लड़की न होके एक क्या थी, एक प्रेत आत्मा थी, ठीक है। तो फिर वो लेके जाती है, अब रात्रि के समय किसी को परेशान न करना था तो इस वजह से वो क्या करती है, उसे ऑफर करती है कि आप मेरे साथ ही मेरे बेड पे सो जाओ। फिर क्या होती है, जब वो उसके रूम में जाती है और जो वहाँ की जो लालटेन है या जो रोशनी करने
जलाने के लिए जब क्रिस्टा बेल वहाँ पे जाती है पास में, तो जिरी लाइन को देखती है, तो जिरी लाइन क्या होती है, फर्श के ऊपर सोई हुई होती है। उसको जाके जिरी लाइन को क्या करती है, एक जो शराब होती है जो इनकी मदर के द्वारा जो गिफ्टेड थी, एक जादू शराब थी, वो उसे जिरी लाइन को पिलाई जाती है, जिससे कि वो क्या हो जाए, होश में आ जाए। तो इस तरह से ये क्या है, पूरी एक स्टोरी चलती रहती है। उसी के बीच में हम देखते हैं कि द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम बिगिन विद द एक्नोलेजमेंट ऑफ सर लियोनी। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो सर लियोनी क्या करते हैं, मॉर्निंग कर रहे हैं। जब सर लियोनी की एक आवाज़ आ रही है, मोर्न कर रहे हैं, धीमी धीमी एक आवाज़ आ रही है, और वो क्या, दिस इज हिज वाइफ, द बेल टॉल्स रिपीटली ईच मॉर्निंग बाय हिज ऑर्डर। जो बेल थी, जो घंटे की जो आवाज़ होती है सुबह के समय, वो उनके ऑर्डर के द्वारा क्या होती है, अज इट डिड ऑन द डे ऑफ हर डेथ। और वो क्या करती है, बजती है उसके डे ऑफ डेथ के पहले, वो उसकी जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है, ये जो क्रिस्टा बेल जिरी लाइन को कहती है कि मेरी मदर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसी दिन से क्या है, मेरे फादर ये कहते हैं ना कि एक पूरी तरह से सदमे में चले गए, कि ऐसी बात ये किसको बता दिए, जिरी लाइन को वहाँ पे बता दिए। फिर कहते हैं कि इट्स टर्न आउट द जिरी लाइन इज ए डॉटर ऑफ ए लियोनी लॉन्ग लॉस्ट बेस्ट फ्रेंड। और तब पता चलता है कि जो ये जियो लाइन थी, ये हमारे जो इनके जो जो फादर हैं क्रिस्टा बेल के सर लियोनी, इनके ही एक दोस्त की क्या थी, बेटी थी, ठीक है। दे हैड फाइट अबाउट समथिंग, और ये कुछ बातों की वजह से दो दोस्तों के बीच में दरार आ गई थी, सर लियोनी और उनके मित्र के बीच में, जो कि फाइट कर ली थी अबाउट समथिंग, कुछ बातों के लिए। एंड दे नेवर स्पोक टू ईच अदर, और वो अभी कभी भी बात नहीं करते थे। लियोनी डिसाइड दैट ही इज ए रियली गुड एक्सक्यूज टू ऑफर हिज ओल्ड फ्रेंड ऑन ऑलिव ब्रांच एंड मेंट देयर फ्रेंडशिप। और जब इसको दूसरे दिन पता चलता है कि ये एक बहुत ही सुंदर एक्सक्यूज है कि मैं अपने पुराने मित्रों को एक बार पुनः क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ या उसे बात कर सकता हूँ। तो इसी तरह से जब ये एक पूरा कहते हैं ना कि एक ऑफर आ जाता है इसके पास, कि मुझे अपने दोस्त के पास जाने का एक मौका मिलेगा और मैं अपना पुरानी फ्रेंडशिप को वापस क्या करूँगा, जिंदा कर दूँगा। ये ऐसा माना जाता है। हाँ, अब फिर देखते हैं कि जब क्या है कि जब ये क्रिस्टा बेल क्या करती है, जीरो लैंड को अपने साथ रख रही है। यहाँ पे जब इसको पता चलता है कि जीरो लैंड क्या है, एक प्रेत आत्मा है, अपने माँ की, वो कहते हैं ना उसके अंदर, उसके माँ की जब वो बात कर रही होती है, कौन बात कर रही होती है, क्रिस्टा बेल, कि उसकी मदर इतनी अच्छी थी, उसके मदर की वजह से इसके फादर के और इसके मित्र के बीच में भी क्या हो गई है, दूरियाँ आ गई हैं। तो उसके बाद से ये सारी बातचीत जब वो बता रही होती है, तो उसी समय इसको एहसास होता है कि इसकी मदर की जो प्रेत आत्मा है, वो कहीं ना कहीं इसको बात कर रही है। तो जब वो उसके जो जीरो लैंड है, उसकी जो कहते हैं कि उसके छाती पे हाथ रखने को उसको बोला जाता है कि क्रिस्टा बेल क्या करो, आप मेरे हाथ यहाँ पे छाती पे हाथ रखो। तो वो देखता है कि एक डरावनी सी, एक उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से एक डरावनी सी होती है, और वो जब देखती है और एकदम से डर जाती है वो पूरी तरह से। और जब सुबह उठती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है, एक ड्रीम था, एक सपना था, ऐसी ना तो कोई लड़की थी जीरो लैंड नाइन की, ये एक सपने के टाइप में उसके सामने आता है ये पूरा सीन। और लेकिन वो एक बात के लिए पूरी तरह से खुश थी कि उसने क्या किया था, सपने में अपने मदर को देखा था। तो ये एक क्या थी, एक ऐसी एक पोएम थी जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक लड़की मिलती है, एक सपने के अंदर हमारी क्रिस्टा बेल क्या करती है, अपने मदर से मिल लेती है। फिर देखते हैं कि ऑल ऑफ दिस साउंड लवली, ये पूरी पोएम एक साउंड करती है, एक लवली साउंड करती है, डजंट इट, जस्ट वन प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें एक समस्या देखने को मिलती है कि ड्यूरिंग द स्टोरी टेलिंग द क्रिस्टा बेल इज सीइंग ए फॉल्स ऑफ ए जीरो लाइन ट्रू फॉर्म। और जो ये देखती है कि किस तरह से एक जीरो लैंड नाम की एक लड़की थी, वो उसके सामने एक फ्लैश की तरह, एक फ्लैश की तरह उसके सामने एकदम से उस पेड़ ओक ट्री के सामने आ जाती है, और पीपल आर नोटिसिंग दैट सी इज ए फ्रेकिंग आउट, बट सी कैन नॉट टेल एनीवन
वॉट सी सी एंड रिमेंबर बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड स्पेल। और ये जो पूरी घटना है ये लोगों को नहीं बताती है कि उस रात उसने क्या सपना देखा, क्या बातचीत हुई, जो जेरेलाइन नाम की जो लड़की थी वो कैसे मिली थी। क्योंकि अगर ये घटना अगर महल में वो दूसरे दिन सुनाती तो लोग उसके ऊपर क्या करते, हंसते और ऐसे इसी तरह से कहते हैं कि जिस तरह से उसके पिताजी जो सर लियोनिन है वो पागल हुए, उसी तरह से बेटी के ऊपर भी क्या हो गया है, बुरा प्रभाव पड़ गया है। तो इस वजह से इसने किसी को नहीं बताया। ऑल द वाइल जेरेलाइन इज वर्किंग सम काइंड ऑफ ए मैजिक, ये जेरेलाइन नाम का एक तरह का एक जादू था। एंड एदर जस्ट हर फैमिली मैजिक, और ये एक कहते ना एक स्त्री का एक मैजिक था, एक एक जादू की तरह था। एंड एक्चुअल ब्लैक मैजिक, और ये कहते ना कि एक डरावना जो ब्लैक में काला जादू उस तरह का भी एक मैजिक हम इसे कह सकते हैं। एंड कन्विंसिंग लियोनिन दैट सी इज जस्ट एन इनोसेंट विक्टम, और ये यहाँ पे क्या करती हैं कि जेरेलाइन को एक कहते ना एक विक्टम की तरह, एक मासूम सा एक विक्टम की तरह पेश करती हैं। सी डज नॉट डिस्पाइट दैट द फैक्ट दैट क्रिस्टाबेल, और ये यहाँ पे फैक्ट नहीं बता रही कि क्रिस्टाबेल इज बिगनिंग विद हिम जस्ट सेंड जेरेलाइन अवे, और ये जो जेरेलाइन थी इसको अवे मतलब इसको दूर जाने के लिए ये यहाँ पे नहीं बोलते। क्योंकि अगर यहाँ पे जो क्रिस्टाबेल है वो सच्चाई बता देगी तो ये जेरेलाइन कहीं ना कहीं इससे क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो इस तरह से ये जो पूरी पोयम है ये खूबसूरत वे में एक छोटी सी स्टोरी है, अनफिनिश स्टोरी है। इसके पार्ट टू के अंदर पता चलता है कि जो जेरेलाइन नाम की जो काला जादू या जो प्रेत आत्मा क्रिस्टाबेल के पास आई थी उसका क्या होता है आगे, क्या सजा सर लियोनिन उसको देते हैं, किस तरह से उस प्रेत आत्मा का प्रभाव क्रिस्टाबेल से दूर हटाते हैं, ये सारा चीज़ें हमें पार्ट नंबर टू में देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये एक अधूरी पोएम है, क्योंकि हम सिर्फ हमारे पोएम के अंदर एक पार्ट नंबर वन है, यहाँ तक हमारी स्टोरी आती है कि किस तरह से उसके ड्रीम के अंदर वो लड़की आती है और उसकी माँ से मिलवाती है, उसकी माँ की और लड़की जो क्रिस्टाबेल है वो दूसरे दिन जब उठती है तो वो खुश भी होती है, क्योंकि उस रात वो क्या करती है अपनी माँ की आत्मा को क्या करती हैं, देखती हैं या माँ को देखती हैं। तो इस तरह से ये खूबसूरत सी पोएम हमारे सामने एसटी कॉलेज लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द एटमोस्फियर ऑफ द कॉलेज पोएम क्रिस्टाबेल। आपको क्या करना है, कॉलेज की ये जो पोएम है इसके ऊपर क्या लिखना है, एक एटमोस्फियर क्रिएट करना है क्रिस्टाबेल के ऊपर, एक ऐसा वातावरण पैदा करना है कि किस तरह से ये जो क्रिस्टाबेल नाम की पोएम है इसको यहाँ पे जो हमारे सर एसटी कॉलेज है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इस तरह से हम एक और पोएम के साथ कल में जो हमारे एसटी कॉलेज की है कुबला खान उसको लेके आऊँगा, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक करके आपके जो बी ए पार्ट फाइनल का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।